सर नो फाइवर, नो गुरु, नो फ्रीलांसर, नो अपवर्क, नो टॉप टैलेंट और ना ही कोई मुश्किल काम है। आपको किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जाना। सर क्लाइंट हंटिंग का एक ऐसा जदीद तरीकेकार आपको बता रहा हूँ जिसमें आप अपने एडवांस पैसे अपने कस्टमर से लेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि आप काम करते हैं उसके बाद क्लाइंट आपको पे करता है, बट जो चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ इसमें इंशाल्लाह ताला आप अपने क्लाइंट से एडवांस पैसे लेंगे और क्लाइंट ढूंढने के लिए भी आपको खज्जल ख्वार नहीं होना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ, आप अपने मोबाइल से अपने क्लाइंट को खुद से हंट करेंगे और बड़ी आसानी के साथ। बात को समझ रहे हैं? हर काम का ना एक राज होता है और लोग जो है वो राज लोगों को बताते नहीं है ताकि वो उनसे आगे ना निकल जाए, लेके खुद ही कब्रों में उतर जाते हैं। बट इंशाल्लाह जो चीज आज आपको सिखाने जा रहा हूँ ये आपको बहुत आसान लगेगी और 10 मिनट जो मैंने थंबनेल में लिखे थे, आप यकीन कीजिएगा जब मैं ये एनिमेशन आपको सिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें 10 मिनट तो लग ही नहीं रहे, इससे भी कम टाइम लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। आपने रियल ऑनलाइन अर्निंग सीखनी है तो भाई इंशाल्लाह वो आपको इसी चैनल से ही मिलेगी। भाई साहब आपने जितने भी काम आज तक सुने होंगे उन सब में ऐसे होता है कि आपको पैसे बाद में मिलते हैं और बहुत सारे लोग इस डर की वजह से काम करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्लाइंट उनको बाद में पैसे दे ना दे इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। और अगर मैं आपको एक ऐसा फार्मूला एक ऐसा तरीके कर सिखा दूँ कि भाई आप पैसे पहले ले लें, चाहे आप 30% 40% ले लें, एडवांस लेके आप जेब में डाल लें, आप अपने क्लाइंट का काम शुरू करें और काम कंप्लीट करके रिमेनिंग पेमेंट भी आप ले लें। अब आप पूछेंगे कि भाई जो पेमेंट मोड होगा वो क्या होगा, तो वो आपका अपना चूज किया हुआ मोड होगा। आप अपने अकाउंट में लें, आप पैसे जो है वो सर अपने जैस कैश इजी पैसे में लें। बट एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, मैंने हमेशा प्रेफर किया है कि आप लोग स्किल्स के साथ आगे बढ़े, क्योंकि जनाब स्किल ही एक ऐसी चीज है जो आपको लेके बहुत बुलंदियों तक जा सकती है। आपकी स्किल सर हर रोज पॉलिश होगी, हर रोज वो निखरेगी, जिसके साथ साथ आप उभरते जाएंगे, आप निखरते जाएंगे और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब आपका भी इस दुनिया में नाम होगा। याद रहे कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें दिक्कत जरूर आ सकती है क्योंकि हमें उसकी सारी बातों का पता नहीं होता। अगर आप तसल्ली के साथ इस वीडियो को देख लेते हैं तो आई होप कि आपको वो सारी बातें वो सारे राज समझ आ जाएंगे कि आपने काम को जनाब कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लेके चलना है और इसमें क्या क्या बारीकियां हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है। सो जनाब आपको मैं बताता चलूं कि हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन सीखने जा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बहुत ज्यादा इंगेजिंग होती है, इतनी इंगेजिंग होती है कि वो देखने वाले को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर लेती है कि देखने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, यानी वो इतना मगन हो जाता है। बात समझ रहे हैं? यही चीज आज आप डेवलप करोगे, विद इन सेकंड्स आप डेवलप करोगे, विद इन मिनट्स आप इंशाल्लाह सीखोगे और उसके बाद जो है वो आप इसी से अपनी इनकम को जनरेट करेंगे। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूं, लेकिन भाई मेरे सब्सक्राइबर तो आप हैं ही, सबसे पहले आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इससे पहले आपके पास कोई स्किल है या नहीं है, ताकि मुझे पता चले कि लोगों के पास ज्यादा स्किल कौन सी है। आप अपना माइंड बनाए सीखने वाला और आ जाए मेरे साथ स्क्रीन पे। नहीं जनाब, आपने गूगल में आके पैक्सल लिखना है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको फ्री में स्टॉक प्रोवाइड करती है। क्लिक करके ओपन कीजिए और यहाँ पे जो भी आपने सर्च करना है वो लिख लीजिए। मैं जनाब यहाँ पे बर्गर लिख के सर्च करता हूँ तो यहाँ आप देखते हैं आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के बर्गर और उनकी वैरायटीज आ चुकी हैं। ये यकीनन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत है। जो चीज आपको समझनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरा ये बात सुनिएगा। यहाँ पे ये आपको वर्टिकल फॉर्म के अंदर नजर आ रही है और अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नजर आ रही है। अब आपकी डिमांड क्या है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, आपने खुद से डिसाइड करना है या आपको आपका कस्टमर ये बात बताएगा। मैं सर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपल डाउनलोड के बटन पे दबाइए, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये आपके सामने इसको डाउनलोड कर देगा और ये वाली पिक्चर है इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये सैंपल आपको समझाता हूँ कि असल में आपने इनका करना क्या है और इनसे अपनी इनकम को रिसीव कैसे करना है। भाई साहब ये ऐसा काम है कि अगर आप इसको थोड़ी तवज्जो के साथ समझ लेते हैं और आप काम को दिल लगा के करते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इससे अच्छी इनकम ना जनरेट करें। समझ गए?
बट शर्त यह है कि आपको काम को तवज्जो से समझना है और उसके बाद उसी तरह से नियत के साथ करना भी है। अब सर अगला स्टेप ये है कि आप कैनवा ओपन करेंगे, चाहे अपने लैपटॉप में ओपन कर लें या सर आप इसकी एप्लीकेशन है मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लीजिए। और इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल है, आप क्रिएट अ डिजाइन के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपने चूज करना है वीडियो को। अब आपके सामने यहाँ पे 1920x1080 ये पिक्सल्स आ रहे हैं। अब मैं आपको इसका भी सीन समझा देता हूँ। सर आपके कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो आपसे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन लेंगे हॉरिजॉन्टल स्टाइल में, और कुछ ऐसे होंगे जो वर्टिकल स्टाइल को पसंद करेंगे। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, कोई लंबा काम नहीं है, बड़ी आसानी से समझ आएंगे। इधर आपके पास अपलोड का ऑप्शन है सर, आप इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप अपनी फाइल में से अपनी डाउनलोड की हुई इमेजेस को यहाँ कैनवा में ले आएंगे। सर ये एक पिक्चर मैंने यहाँ कैनवा में इंपोर्ट कर ली है, अब आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं और इसका साइज अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी साइज इसमें मुनासिब लगे वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी स्क्रीन में ये पूरी नहीं आ रही तो आप इसको खींच के इस हिसाब से मैनेज कर लीजिए कि ये स्क्रीन में बकायदा खूबसूरत दिखाई देने लगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो काम आपने करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कि इस पूरे पेज के ऊपर कहीं पे कोई आइडेंटिटी शो नहीं हो रही, आपने कस्टमर का लोगो लगाना है। अब आप कस्टमर से उसका लोगो डिमांड करेंगे तो यकीनन आप एक प्रोफेशनल बात उसके साथ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह की बातें ही अगले बंदे को बताती हैं कि भाई आप कितने प्रोफेशनल हैं, आपको कितना काम आता है, ठीक है। तो आपने मुनासिब जगह देख के इसको एडजस्ट कर लेना है, इसकी सेटिंग जो है वो आपने अच्छी बना लेनी है। और उसके बाद अगर को आप इसमें ग्रेडिंग वगैरह करना चाहें, यानी कलर ग्रेडिंग करना चाहें, तो आप यहाँ पे कलर ग्रेड भी कर सकते हैं और बाकी तमाम तर सेटिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद सर आना है आपने यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे, इधर आपको सिंपल टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन मिलेगा और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के ऑप्शन भी आएंगे। अब यहाँ पे कोई एक सूटेबल सा टेक्स्ट आप चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस ग्लोइंग वाले टेक्स्ट को जो है वो चूज करता हूँ, और जनाबे वाला ये यकीनन आपको भी यहाँ पे खूबसूरत लग रहा होगा, इसकी एडजस्टमेंट भी आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। और उसके बाद आपने इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, और मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ यानी ये डील आज के लिए स्पेशल है, और ये इतना सा काम आपने यहाँ पे करके इसको एडजस्ट कर देना है। और ये वर्डिंग अलग भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, और इसके अलावा कुछ भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे रेट मेंशन करना चाहूँ तो उसके लिए ये वाला टेम्पलेट मुझे मुनासिब लग रहा है। मैं सर इसको यहाँ पे क्लिक करके ले आता हूँ और इसकी साइजिंग अपने हिसाब से कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखिएगा ये जो डील ऊपर आपको दिख रही है, इस डील की प्राइस जो है वो मैं लगा लेता हूँ जनाब 2500। और उसके बाद नीचे आप टाइम के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे करेंसी मेंशन कर सकते हैं, RS जो है वो मेंशन कर दीजिए। तो ये क्या बन गया, 2500 रुपीज, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ऐसी चीजें अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए आपको करनी पड़ेंगी। अब ये सारा काम हो चुका, अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक हमने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के ऊपर तो काम किया नहीं है। तो भाई सबसे पहले आपको एक डिजाइन कंप्लीट करना है। अब हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, आप शेयर के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आपने डाउनलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ MP4 आ रहा है, अगर आपने पेंटिंग नहीं करनी तो भाई जस्ट आप MP4 ही यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आपने व्हाइट बोर्ड पेंटिंग करनी है तो आपने इसको JPG में डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपका पेंटिंग का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होगा। चंद ही लम्हों में ये डाउनलोड हो जाएगी, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब सर जरा देखिएगा, आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ऐप के नाम से, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक सर्च टैब आ जाएगा। इधर आपने लिखना है स्पीड पेंटर, आपके सामने इस तरह की एप्स आ जाएंगी। इनमें से किसी एक ऐप को आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। मुझे ये वाली अच्छी लगती है जी, और ये यूज करनी भी बहुत आसान है। उसके बाद आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जो फाइल आपने डाउनलोड की है सर आप उसको क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ये फाइल आपके सामने आ गई। यहाँ जरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा, इधर आपके पास टाइम ड्यूरेशन आ रहा है 3 सेकंड का, और यहाँ पे भी 3 सेकंड का, आपने इसको 5 सेकंड पे कर लेना है। ये भी 5 सेकंड का, और जनाब ये भी 5 सेकंड का, यानी टोटल 10 सेकंड का ड्यूरेशन जो है वो इसका बनेगा। अब यहाँ जनरेट के ऑप्शन के ऊपर आप दबाएंगे, अब ये यहाँ पे आपकी इमेज की क्वालिटी को एनालाइज करेगा और चंद सेकंड का टाइम लेगा। मुझे वैसे जाती तौर पे ये बर्गर्स बहुत ज्यादा पसंद हैं,
आपको फास्ट फूड में क्या पसंद है कमेंट सेक्शन में मस्ट बताइएगा। ये इस तरह से प्रिपेयर होके आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपने एड टू डिजाइन के बटन पे क्लिक करना है। ये एक दूसरी लेयर आपके सामने आ जाएगी। अब हम इसको ड्रैग करके सर यहाँ पे सेटल डाउन कर लेंगे और उसके बाद आप देखिएगा जनाब कि क्या रिजल्ट आपके सामने आया है। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्केच डिजाइन हो रहा है और उसके बाद बकायदा तौर पे उसकी कलर पेंटिंग हो रही है, जिसको हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कहते हैं। अब एक दफा दोबारा से देखिए और साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप इसमें पीछे म्यूजिक ऐड कर लेते हैं और आपका शानदार म्यूजिक होता है तो ऑफ कोर्स आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। फाइल जब सर आपकी कंप्लीट एडिट हो जाए उसके बाद आपने शेयर के ऑप्शन के ऊपर दबाना है और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर आपको MP4 ही इस दफा रखना है। देन सर आपने डाउनलोड कर लेना है। अब जनाब ये फाइल कस्टमर को देने के लिए तैयार है। ठीक है, आपने क्या करना है कि इस फाइल को क्लाइंट को दे के उससे पैसे ले लेने हैं या एडवांस पैसे लेके आपने बाद में ये काम करना है। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम क्लाइंट कहाँ से लेंगे, क्लाइंट हंटिंग कैसे करेंगे। तो भाई साहब आपको मैंने स्टार्ट में जो कहा था इंतहाई आसान है क्लाइंट को हंट करना, आपको तरीकेकार बता रहा हूँ। गूगल मैप सर आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे मैं फूड पॉइंट्स इन फैसलाबाद लिखता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे फैसलाबाद के सारे फूड पॉइंट्स आ जाएंगे। आपने स्टार्ट में बड़े बड़े फूड पॉइंट्स को टारगेट नहीं करना, शुरू में आपने छोटे फूड पॉइंट्स को टारगेट करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो उनकी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आ चुकी है, उनका एड्रेस है, वो जनाब कब ओपन होते हैं कब बंद होते हैं और उसके बाद अगर आप किसी को भी यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको उनकी तस्वीर भी दिखेगी और उसके बाद उनका कंप्लीट एड्रेस, साथ में आपको फोन नंबर भी दिखाई देगा। तो जनाबे वाला आपने अपने शहर के अकॉर्डिंगली ऐसे सर्च करना है, उनको जाके विजिट कर लेना है या फिर आपने उनको फोन पे कन्विंस कर लेना है, ऑर्डर लेके सर आपने आगे प्रोसीड करना है। इसी तरह दूसरा रेस्टोरेंट है, आप अगर इसको देखें तो इसकी तमाम डिटेल भी आपके सामने आ रही है, इनका फोन नंबर भी आ रहा है और साथ में इनका एड्रेस भी आ रहा है। बात को समझ गया ना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जाके कितने क्लाइंट्स को हंट करते हैं और आप अपने कस्टमर को कैसे गेन करते हैं। आप किस शहर में हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है आपने, ताकि मुझे पता चले कि ज्यादा किस शहर से लोग जो है वो देखते हैं। तो इसी तरह आप हर कैटेगरी के ऊपर काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सर आपने फूड को ही टारगेट करना है, आप बिजनेसेस को भी टारगेट कर सकते हैं, आप एकेडमीज विजिट कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर विजिट कर सकते हैं, आप उनसे सर ऑर्डर ले सकते हैं, उनके लिए एनिमेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके लिए शॉर्ट वीडियोज बना सकते हैं जो वो अपने स्टेटस के ऊपर अपने फेसबुक की स्टोरी और पेज के ऊपर लगा के अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं और जितना उनका क्लाइंट इम्प्रेस होगा उतना ही आपका रेट बढ़ता जाएगा। जनाबे वाला आपने गुर सीखने हैं कम्युनिकेशन के और आपके पास अगर बातचीत करने का हुनर, आपके पास बातचीत का गुर नहीं होगा तो याद रखिएगा क्लाइंट आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, ना ही आपको मुंह लगाएगा। आपने अच्छी कम्युनिकेशन कैसे करनी है, WB Ideas चैनल ओपन करना है और इस चैनल पे आपको बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए वीडियो मिलेगी। अपने कम्युनिकेशन को एनहांस कीजिए और अपने बिजनेस को बढ़ाते जाइए। भाई अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि आखिर आप अपने कस्टमर से पैसे कैसे लेंगे। भाई जब आप कस्टमर के पास मौजूद हैं तो आप कैश इन हैंड की सूरत में उससे एडवांस पेमेंट ले सकते हैं या आप अपने इजी पैसा जैस कैश बैंक अकाउंट में भी विड्रॉल्स ले सकते हैं। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे उसी तरह ही आपकी कमाई भी होती जाएगी। ले भाई साहब मैंने आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप गाइड की हैं, जो चीजें आपको बताई यकीनन वो आपको समझ भी आई होंगी। आपने वीडियो स्किप नहीं की तो आपके लिए यकीनन ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। काम को नियत से करें, ईमानदारी से करें, जब तक आप ईमानदारी का पल्लू नहीं पकड़ेंगे आप आगे नहीं जाएंगे, ये मेरा मानना है। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल को रेगुलर देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो, आपके काम में आपके रिजक में बरकतें अता फरमाए और हमें भी अपनी दुआओं में याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपने किस टॉपिक के ऊपर देखनी है कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं जनाब एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।